संबित पात्रा जी शॉर्ट में। धन्यवाद, आपने ये मौका दिया है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ पूरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विषय में। 2021 में इस एयरपोर्ट के विषय में देयर वाज अ नीड व्हिच अरोज फॉर द इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पुरी एंड इन द ईयर 2023 द ग्रांट फॉर द साइट क्लियरेंस वाज फॉरवर्डेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज द प्रोग्रेस इन दिस फील्ड बिकॉज the airport is to be built in Brahmagiri tehsil very close to the Jagannath temple and because of the relevance of Jagannath temple and Puri being a tourist destination this airport is of prime importance so I would like to know through the honorable speaker as to how we have progressed okay. in this field thank you sir Puri ka airport I will support yes, yes. jaldi kijiye kindly do it quickly okay sir Puri जो भगवान जगन्नाथ जी का क्षेत्र वाला एयरपोर्ट है उसके संबंध में सर, ये जो एयरपोर्ट है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है सर, और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जब बनता है सबसे पहले स्टेट हमें लिखता है कि यहाँ ये ज़मीन हम तैयार कर रहे हैं कि यहाँ पे एक नया एयरपोर्ट बने, और उसी तरह जब हमें प्रपोजल मिला मिनिस्ट्री को कि राज्य वहाँ पे एक एयरपोर्ट बनाना चाहता है तो हमने उसका इनसाइट क्लियरेंस हमने दे दिया है सर। और जनरल प्रोसीजर ये रहता है आफ्टर इनसाइट आफ्टर साइट क्लियरेंस इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए फिर से वो राज्य DPR बनाकर और उसका वो जो भी लैंड का हो पावर का हो वाटर का वो सब तैयार कर वो फिर वापस हमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए लिखता है सर। पर अभी तक हमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए स्टेट से कोई कुछ वो आया नहीं सर। बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज इट इज़ अ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बीइंग मेड ऑन PPP मोड द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट टू कंस्ट्रक्ट द एयरपोर्ट। हम साइट क्लियरेंस देते हैं सर, वो दे दिया है, और अगर राज्य हमें लिखता है कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल चाहिए तो हम जरूर उसके ऊपर कार्रवाई करके वो देंगे सर। पर अभी तक आया नहीं सर अप्रूवल। जदि आपंक आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।